नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी, जिसमें हम भारत के जो भारत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योग्राफी में पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम को, उनको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल भारत के रिस्पेक्टिव में हम अपनी ज्योग्राफी देख लेते हैं, फिर इसके बाद वर्ल्ड की ज्योग्राफी अलग से हम कवर करेंगे। बिलाल, इसके अंदर थ्योरी नहीं, क्वेश्चन होने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक्सप्लेन करेंगे उन चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। देखिए, पहले तो ये चीजें समझिए, अक्षांश होता क्या है। एक तो होता है अक्षांश, एक होता है देशांतर। अक्षांश पूछा गया है, अक्षांश होता है ये जो लेटी हुई ऐसी लाइन होती है ना। मैं फिलहाल एक ग्लोब बना लेता हूं यहां पे, फिर आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, ये एक ग्लोब है, ठीक है। अब ग्लोब को दो तरीके से बांटा जाता है। एक होता है ये इक्वेटर, इक्वेटर इसके ऊपरी हिस्से को कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसके निचले हिस्से को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। एक तो ये जो इक्वेटर होता है, ये जो लेटी हुई लाइंस होती है ना, ऐसे जो ये लेटी हुई लाइन ऐसे बनाई जाती है, इनको कहते हैं लेटी हुई को, यानी लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड को ही कहा जाता है अक्षांश। तो इनको हिंदी में अक्षांश कहा जाता है, इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड कहा जाता है। क्लियर यहां पे? अब यहां इसके अलावा एक और लाइन होती है जो ऐसे खड़ी हुई होती है, ठीक है, खड़ी लाइन होती है। तो इस खड़ी लाइन या इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं हम लोंगिट्यूड, लोंगिट्यूड इसको कहते हैं हम लोंगिट्यूड। अब लोंगिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर, हिंदी में कहते हैं देशांतर। क्लियर यहां पे? अब समझना इस चीज को। ये ऊपरी हिस्सा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, निचला हिस्सा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, इस इक्वेटर यानी जीरो डिग्री लाइन के रिस्पेक्टिव में। अब बात करूं इस लॉन्गिट्यूड के, जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड के, इधर का साइड जो होता है ना, इधर की इस साइड को कहते हैं हम ईस्टर्न, और इधर के इस साइड को कहते हैं हम वेस्टर्न। क्लियर यहां पे? और भारत कहां आता है? भारत आता है यहां पर। क्लियर यहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटते हुए भारत आता है यहां पर। अब भारत का जो है लोकेशन, अगर आप देखें तो लोकेशन कहां पड़ रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न की साइड में। क्लियर यहां पे? ना कोई वेस्ट का है, ना कोई साउथ का है, यहां पे सारा का सारा नॉर्थ और ईस्ट में ही कैलकुलेट होगा। अभी समझना इस चीज को। अब क्या बोला गया है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। अब डैश के बीच फैला हुआ है, यहां पर आपके सामने मैप लगा हुआ है, अगर आप देखें तो यहां से एक लाइन जा रही है ऐसे टच करती हुई, ऐसे लाइन जा रही है टच करती हुई। अब ये जो लाइन जा रही है ना, यहां पर जो टच कर रही है लाइन जो यहां पर है 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये जो कोमा जो ऊपर होता है ना, 37 डिग्री, ये जो कोमा लगाया होता है इसका होता है मिनट। क्लियर यहां पे? 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर अब यहां पर नीचे तक आप यहां पर जाएंगे ना, तो यहां 8 डिग्री इसको लाइन टच कर रही है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर यहां पर जो एक लाइन जो है वो टच कर रही है। और ये कहां पर कर रही है? यहां पर, सारा का सारा यहां पर खेल हो रहा है। तो इस साइड ऊपर चलते ना तो डिग्री बढ़ती है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसी डिग्री ऊपर बढ़ती चलती है और 90 डिग्री तक पहुंचती है चीज। तो यहां पर 8 डिग्री यहां से शुरू होती है और 37 डिग्री यहां तक पहुंचते हैं। तो यहां पर आता है भारत का विस्तार। क्लियर यहां पर? तो भारत का मुख्य भूमि का हिस्सा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि मुख्य भूमि का पूछा है, मुख्य भूमि का पूछा, क्योंकि हमारे देश में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आइलैंड है, अगर वहां पर आप देखेंगे ना तो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। तो मुख्य भूमि का विस्तार पूछा है, टोटल भारत का पूछते तो अलग क्वेश्चन बनता वहां पे। क्लियर? यहां पे दो क्वेश्चन हैं अलग अलग, एक तो मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि यहां तक होगी, एक होता है यहां पर आइलैंड से रिलेटेड, तो आइलैंड यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो जाता है यहां पर भारत के। क्लियर? अब समझो, तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तभी ये उत्तर उत्तर यानी नॉर्थ नॉर्थ लिख रखा है, क्योंकि जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है, इसलिए उत्तर उत्तर लिखना पड़ा। क्लियर यहां पर? तो ये एक लोकेशन क्या हो गया कि भारत की जो लोकेशन है वो कहां पर है। क्लियर यहां? अब ये हो गया हमारे सामने क्वेश्चन एक। यहां से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुख्य भूमि का ना पूछता, दूसरा पूछता तो 6 डिग्री 45 मिनट का हमें रखना पड़ता। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए यहां पर ये जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, यहां से लेकर यहां तक जो कन्याकुमारी तक जाते हैं, तो इसकी जो लेंथ होती है ना भारत की, तो वो बनती है यहां पर 3214 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है इसका उत्तरी अक्षांश। अब यहां पर इसमें पूछा जाए कि भाई ये जो गुजरात का इलाका और यहां पर अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, तो यहां पर इन दोनों के बीच की जो लेंथ कितनी है,
कितनी चौड़ाई है, तो एक देखिए जाइए यहाँ पर 2935 यानी अप्रोक्सीमेट इसको लिया जाता है 2900 किलोमीटर में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारत है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 3200 किलोमीटर तक। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देखिए पूर्वी देशांतर बोला गया है क्योंकि हमारा जो देश है वो पूर्व में यानी ईस्टर्न की साइड पड़ता है। क्लियर यहां पे। अब जब ईस्टर्न की साइड पड़ता है ना, तो ध्यान रखना कि जो धरती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है तो सूरज यहां पर होगा, तो सबसे पहले ईस्ट के अंदर सूरज होगा। ईस्ट के अंदर सूरज होने का मतलब है कि यहां दिन सबसे पहले होगा, यानी यहां टाइम ज्यादा जल्दी होगा, यहां लेट टाइम होगा। क्लियर यहां पे। अभी इसके रिस्पेक्टिव में भी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, यहां पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। अभी फिलहाल जो है वो भारत का परिचय चल रहा है कि भारत के रिस्पेक्टिव में कौन सी जगह पे आता है, कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत फैला हुआ है, इस भाग को क्या कहते हैं। बस इसी के रिस्पेक्टिव में बात करेंगे कि कौन से देश की सीमाएं जो भारत के साथ आजा करती हैं, कौन से देश की इंटरनेशनल जो रेखा है वो सबसे लंबी है, सबसे कम छोटी सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि जो पर्वत हैं, जो दर्रे हैं, या फिर मिट्टी, जलवायु, अलग अलग सेगमेंट में रखने वाले इन चीजों को, ताकि आपके लिए आसानी रहे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। देखिए हमारे यहां पर दो तटीय मैदान है। तटीय मैदान बोले तो घाट एक तरीके से जो होता है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ये जो होता है ना, ये होता है इसका नाम दिया गया ईस्टर्न घाट। क्यों? क्योंकि देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। जो ईस्ट की साइड पड़ गया तो उसको क्या कह दिया हमने, ईस्टर्न। जो वेस्ट की साइड पड़ गया हमने उसको क्या कह दिया, वेस्टर्न। तो दो घाट है हमारे सामने। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वेस्टर्न घाट और एक होता है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट को हिंदी में कहा जाता है पूर्वी तटीय। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो आपके सामने यहां पर मैप भी है। मैप में आप देख पा रहे हो कि इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्लियर यहां पे। तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी तटीय नाम का अलग दूसरा नाम। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो पूर्वी तटीय मैदान यानी जो कोरोमंडल तट है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, फॉल्स डीवी बिंदु से लेके कैप कोमोरिन तक। कैप कोमोरिन तक के भाग को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है। और जबकि वेस्टर्न वाले को, इसमें देखिए गुजरात वाले भाग को तो हम कह देते हैं कोंकण, और जो दक्षिणी भाग में यानी इसके वेस्टर्न के दक्षिणी भाग में जो पड़ता है उसको हम कहते हैं मालाबार तट। क्लियर यहां पे। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो वेस्टर्न का भी पूछ सकता है कि गुजरात वाले भाग को हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। इधर केरल वाले तट, यहां पर केरल पड़ जाता है तो केरल वाले तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। क्लियर। आओ जरा थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्थलाकृतिक यानी टोपोग्राफिक, इसको इंग्लिश में कहेंगे टोपोग्राफिक मैप। तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा गठन बनाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन, भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टोपोग्राफिक मैप बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी भारतीय सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी 1767 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मेन काम क्या होता है कि भारत के विभिन्न विभिन्न भागों को खोजें और उनका जो है वो मैप तैयार करें। और मैप क्यों तैयार किया जाए, देखिए अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही है कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र को डेवलप करना है, तो वहां पर मानचित्र की या फिर मैप की जरूरत पड़ती है। और वो मैप, ये टोपोग्राफिक मैप जो है, ये सर्वे ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करवाते हैं। अभी फिलहाल इनका क्या कर रहे हैं, एक डेटाबेस बनाया जा रहा है यानी डिजिटल कार्टोग्राफिकल डेटाबेस बनाया जा रहा है इसका। अब सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है। अब यहां पर आप देखेंगे ना, तो यहां ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी स्नातक परीक्षा यानी सीजीएल सीएचएल सीपीओ सारे यहां पर लिखे आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय इंपॉर्टेंट है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। देखिए अभी जो मैंने मैप बनाया था, मैप यहां कहूं मैं यहां पर बना देता हूं, चलो क्योंकि यहां पर अभी थोड़ी देर में जादू से मैं कुछ लेके आने वाला हूं। अब यहां पर एक होता है ना 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, एक होता है यहां पर ये जीएमटी कहते हैं इसको, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होती है ना उसमें टाइम को निकाला जाता है। भाई कहीं से तो हमें टाइम को मानना पड़ेगा ना, कि कहां से हम टाइम को माने।
कौन सी रेखा से हम टाइम को मानना शुरू करें, तो एक जीरो डिग्री से मानना स्टार्ट करते हैं। तो इधर की साइड होता है ना, ईस्ट होता है, तो यहां पर सूरज सबसे पहले उगता है, तो जापान में सबसे पहले सूरज उगता है, क्लियर। यहां पे तो जापान में सबसे सबसे पहले सूरज उगता है, तो वहां पर टाइम आगे होता है इस ग्रीनविच टाइम से, और ये वेस्ट होता है। तो यहां पर जब जाते हैं ना, तो इस साइड जाते हैं तो टाइम ऐड करना पड़ता है, और इस साइड जाते हैं तो टाइम माइनस करना पड़ता है, क्लियर। अभी समझा दूंगा इस चीज को। तो भारत जो है ना, वो ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न की साइड में आता है, ईस्टर्न घाट बोल रहा हूं, तो ईस्टर्न की साइड में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो ये जीएमटी होती है, जीएमटी है, ठीक है। तो जीएमटी एक आपने सुना होगा ना, एक आईएसटी, जब भी आप टाइम सेट करते हो तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, एक जीएमटी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मापा जाता है। तो आईएसटी जो है वो, यानी भारत में टाइम, आप फॉर एग्जाम्पल आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप टाइम देखिए, माने फॉर एग्जाम्पल 10 बज गए, वो 10 बज गए हैं, ये सुबह के 10 बजे हुए हैं या रात के 10 बजे हुए हैं, वो आईएसटी से मापा गया है कि भाई इसके अकॉर्डिंग टाइम इतना हो गया है, क्लियर। तो ये आईएसटी भारत के यहां पर आती है, यहां पर भारत पड़ता है और यहां से एक रेखा गुजरती है, वहां से हमने अपने भारत का टाइम निकाला हुआ है। तो वो पूछा गया कि भारत का जो मानक समय है, हमने कौन सी रेखा को मान के माना हुआ है। भाई एक चीज ध्यान रखना, ये जीरो डिग्री है ना, अगर इस साइड जा रहे हैं, एक साइड एक डिग्री, अगर एक डिग्री हम ईस्ट की तरफ बढ़े तो हमें 4 मिनट ऐड करने पड़ जाएंगे, ठीक है, 4 मिनट ऐड करने पड़ जाएंगे, क्लियर। इस चीज को 4 मिनट समय ऐड करने पड़ जाएंगे अगर हम एक डिग्री ईस्ट की साइड बढ़ रहे हैं। और भारत का देखना आप जरा, मैं इसको सारे को रफ कर रहा हूं, तो भारत का देखो, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी हम ऑब्वियसली, मैंने क्या कहा, भारत कहां पड़ रहा है, ये यहां पर इक्वेटर हो गया, ये यहां पर लॉन्गिट्यूड होगा, तो इस साइड का जो ईस्टर्न भाग पड़ता है तो ईस्टर्न ही तो होगा हमारे सामने, तो पूर्वी इसलिए लिखा गया 82 डिग्री, क्योंकि भारत की यहां पर, इसको हमने ईआईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान रखा है लॉन्गिट्यूड, तो ये ध्यान रखना 82.5 डिग्री ईस्टर्न को हमने मान रखा है, हमारे भारत का मानक समय रखा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या भारत में ये, इसको टाइम जोन कहा जाता है कि भारत में कितने टाइम जोन है, भारत में एक ही टाइम जोन है, कई कई देशों में 11-11, 2-2, 3-3 ऐसे टाइम जोन चलते हैं, क्योंकि वहां पर देश का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा होने के कारण वहां सूरज जल्दी उग जाता है लेकिन आखिरी तक कोने तक पहुंचते लेट ढलते हैं। अब यहां पर बता देता हूं, भारत में यहां पर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का मतलब फर्क पड़ता है, यहां पर सूरज पहले उगता है लेकिन 2 घंटे बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर सूरज 6 बजे उग रहा है, अभी यहां पर सुबह हो चुकी है लेकिन यहां पर कब होगी, सुबह 8 बजे होगी, मतलब सूरज 2 घंटे बाद यहां पर पहुंचेगा, इतना या तभी भारत में कहा जा रहा है कि आप 2 टाइम जोन कर लीजिए, क्योंकि यहां टाइम जल्दी हो जाता है, यहां टाइम लेट हो रहा है, तो पूरे भारत में जो है वो एक तरीके से एक ही टाइम चल रहा है, तो यहां परेशानी हो रही है टाइम, मतलब कि कोई भी ऑफिस जाना है, मैं कह देता हूं कि देखिए 7 बजे तक, मैं कह रहा हूं कि 9 बजे से लेकर 7 बजे तक ड्यूटी है, 9 बजे से लेकर 7 बजे तक ड्यूटी है, तो 7 बजे तक तो यहां पर तो अंधेरा होता नहीं लेकिन यहां पर अंधेरा हो जा रहा है, तो यहां पर बिजली का खर्चा ज्यादा हो रहा है क्योंकि लाइट जलानी पड़ रही है, तो ये कह रहे हैं कि आप हमें जल्दी कर लीजिए 2 घंटा, तो आप टाइम जोन कर लीजिए यहां पर अलग से, तो ये एक दिक्कत आ रही है, लेकिन हम भारत के 2 टाइम जोन कर नहीं सकते, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर ये एक अलग इशू है, हम इसको फिर कभी कवर करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखना कि 82.5 डिग्री जो है वो पूर्वी रेखांश जो है वो भारत का मानक समय है, जो कहां कहां से गुजरता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, ओडिशा से, आंध्र प्रदेश से, तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली है कि कौन कौन से राज्य से जो ये है आईएसटी गुजरती है, तो कहां, इलाहाबाद से, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यह ग्रीनविच जो भी मैंने बताया ना आपको जीएमटी, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे का भी मतलब मैं बता देता हूं, 5.5 घंटे का मतलब यह है कि ग्रीनविच जो, मैं यहां पर एक वो रेखा फिर से बना देता हूं, ये ग्रीनविच मान लेते हैं, यहां अगर 12 बज रहे हैं ना तो भारत के समय, भारत कहां होगा, भारत यहां होगा, तो यहां पर भारत में कितने बज रहे होंगे, 5.5 बज रहे होंगे, तो 5.5 यहां पर बज रहे होंगे, 12 यहां पर बज रहे होंगे, क्योंकि हम 5.5 यहां पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, यहां शाम के 5.5 बज रहे होंगे, क्योंकि हम आगे चले क्योंकि ईस्टर्न की साइड पड़ता है, सूरज यहां पहले उगता है, तो इसलिए हमारा टाइम आगे चलेगा, क्लियर। अब 5.5 घंटे हम निकालें कैसे, आसान है, 82.5 डिग्री मैंने कहा, 1 डिग्री अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, ईस्ट की तरफ 1 डिग्री चलते हैं, तो 4 मिनट ऐड करने पड़ते हैं, तो 4 मिनट को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, 330 मिनट आएंगे, 330 मिनट आएंगे। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 घंटे अलग से बनेंगे और 30 मिनट अलग बच जाएंगे, तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर। यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि
फिर से वही सेम क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से, अब तो आसानी से निकाल सकते हो कि कितना आगे चल रहे हैं। ऑब्वियसली हम पीछे तो चलेंगे नहीं, ये गलत हो गया, पीछे तो हम कभी नहीं चलेंगे, आगे ही चलेंगे क्योंकि ईस्टर्न की साइड हमारा देश पड़ता है, तो 5.5 घंटे हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन फिर से वही पूछा गया है सिक्स्थ के, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। एक आपको पता है कि आईएसटी क्या है, आपको उसकी लोकेशन पता है कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो कितने सारे क्वेश्चन देखिए सीपीयू के अंदर 2006 के अंदर पूछा गया है, स्टेनोग्राफर के अंदर 2017 में 5 अगस्त में जो हुआ क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, तो इसका तो हो गया ए। अच्छा ये आप देखिए आसानी से कर लोगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है इससे, क्या निकाला जाता है इससे, तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिया है कि यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालती है। अरे नहीं, अभी तो हमने देखा नहीं, जलवायु के ऊपर तो प्रभाव नहीं डालती। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि यह भारत मानक समय का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही, यह भारत मानक समय का निर्धारण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लियर। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल रेज कभी नहीं मिलेंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई, त्रिवंदपुरम, श्रीनगर, चेन्नई, इसमें किसमें से आपको एक ऑप्शन छांटना है कि कभी भी सूर्य की किरणें वो सीधी नहीं पड़ेंगी, वर्टिकल का मतलब होता है सीधी नहीं पड़ेंगी। अब यहां पर मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, देखिए डायग्राम यहां पर है, अब यहां पर आप देखें तो सूरज की जो किरणें वो सीधी यहां पर पड़ रही है, यहां पर पड़ रही है, लेकिन अगर यहां पर बात करें तो यहां एक तरीके से तिरछी किरणें पड़ती हैं। ऐसे ही भारत का हाल है, देखिए सूरज के ऊपर जो किरणें है ना, जो सूरज की जो किरणें यहां बना लेते हैं, सूरज देवता यहां बनाते हैं और यहां हमारी प्यारी पृथ्वी बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ी बड़ी बना दी क्योंकि सूरज काफी दूर है। अब समझो जो सूरज के जो सामने होगा यहां पर तो वर्टिकल रेज पड़ेंगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठता चलेगा यहां पर वर्टिकल रेज नहीं पड़ेंगी, यहां थोड़े से ना झुकाव होता चलेगा तो यहां पर जो है वर्टिकल रेज यानी सीधी रेखा पड़ी है, परपेंडिकुलर पड़ी है, 90 डिग्री का कोण बनाया, वो कहां पर बनाया, तो यहां बनता है एक तो इक्वेटर होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो यहां पर पड़ता है, तो भारत जो है ना वो मकर रेखा से थोड़ा सा ऊपर भी तो है, तो यहां पर आपके सामने ना मैंने बनाया हुआ ये मैप, ये देखिए ये रहा यहां पर आपके सामने, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहां तो भैया सीधी पड़ेंगी यहां पर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर क्यों पड़ रहा है, भाई थोड़ा बहुत ऊपर भी चलता है, ऐसे चलता रहता है, तो नीचे की तरफ तो है यही, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ये उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन में तो हमेशा जो सूरज की किरणें वो वर्टिकल पड़ेंगी ही पड़ेंगी। अब जैसे जैसे ऊपर चलते हैं तो वहां पर सूरज की किरणें तिरछी होती चलती है, तो यहां पर जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इलाका है या फिर जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर कभी भी सूरज की जो किरणें हैं वो वर्टिकल नहीं पड़ेंगी, यानी परपेंडिकुलर नहीं पड़ेंगी, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी, वो झुकी हुई पड़ेंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर डी, क्लियर। यहां पे एट क्वेश्चन पे आते हैं, एट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश में है। अब यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिया, इनमें पूछा गया कि देखिए लैटिट्यूड ऐसे बना हुआ है, ये रहा आपके सामने 15 डिग्री का, ऐसे ही एक और बना देते हैं, एक ऐसे ही और बना देते हैं, तो ऐसे ही और बना देते हैं यहां पर, तो ये पूछा गया है कि आप बताइए कि जो उत्तरी अक्षांश में कौन सा पड़ रहा है, कि पंचमढ़ी कहां है, इलाहाबाद कहां है, अहमदाबाद कहां है, पटना कहां है, तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इनकी आपको पोजिशन जाननी जरूरी होती है। अब आप जरा ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो पटना की जो स्थिति है बिहार के अंदर, तो वहां पर 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ के अंदर पड़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, देखिए 22 डिग्री 3 मिनट, और ये देखिए इलाहाबाद 25 डिग्री 28 मिनट, त्रिवंदपुरम तो चलो हमने मान लिया यहां पर हो गया, नीचे की साइड हो गया 8 डिग्री 29 मिनट, ये रहा यहां पर त्रिवंदपुरम, तो यहां हो गया, तो ये तो हमने चलो मान लिया, लेकिन ये जो ऑप्शन यहां पर पटना और इलाहाबाद है ना, तो ये थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं कि बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा क्योंकि इतनी लोकेशन पूछ लेना, और वो पूछा गया है स्नातक यानी SSC CGL के अंदर, ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए भारत के दक्षिण छोर यानी सदर्न टिप का नाम क्या है। अब यहां पर दो ऑप्शन बनते हैं, यहां पे देखिए एक तो मुख्य भूमि का, अगर दक्षिण टिप पूछ ले, मुख्य भूमि बोलेगा वहां पे, तो मुख्य भूमि पूछ लेता तो होता है कन्याकुमारी, तो इसका सामने अपना ऑप्शन हो जाएगा सी, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। अब क्यों हो गया सी, देखिए इसने यहां पर कोई मुख्य भूमि का नहीं पूछा, इसने पूछा कि भारत का दक्षिण छोर कौन सा है, तो भारत के दक्षिण छोर है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, यहीं पर भी इसके दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम को पिग्मेलियन कहा जाता है, इसका दूसरा नाम पिग्मेलियन है इंदिरा पॉइंट, और भारत के उत्तर में कौन सा पड़ता है, इंदिरा कोल पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तीन क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। एक तो ये कि उत्तरी भाग को क्या मतलब उत्तरी पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इंदिरा कोल कहते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं, तो कन्याकुमारी में पड़ता है। तो वहां पर अगर भारत का ही दक्षिण छोर पूछा जाए तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट है। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको जब क्वेश्चन का जवाब देना है तो पढ़ लेना कि पूछा क्या गया है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग जाना है। तो फिर से 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन वही है कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। कैप कोमोरियन कहेंगे, इंदिरा पॉइंट कहेंगे, कन्याकुमारी कहेंगे, रामेश्वरम कहेंगे, तो इंदिरा पॉइंट कहेंगे। क्लियर। यहां पे भारत के दक्षिणी दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, दक्षिण में दूरस्थ स्थल कौन सा है, कैप कोमोरियन कहेंगे, इंदिरा पॉइंट कहेंगे, कैलिमियर पॉइंट कहेंगे या पोर्ट ब्लेयर कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने सी। क्लियर। यहां पे 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान आता है। तो मुझे लगता है कि ये हर एक बच्चे को आता है, ये 2007 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, मे बी शायद आए ना आए, लेकिन फिर भी हमें जानना ही तो होता ही है कि ये तो बेसिक चीजें हैं कि भारत का सातवें नंबर पे आते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना है। तो आपके सामने यहाँ पे टॉप लार्जेस्ट 10 लार्जेस्ट कंट्रीज दे रखी है, मैंने लगा रखी है जो एरिया के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले रशिया है, कैनेडा है, यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया यहां पर आता है। इंडिया के बाद अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है, और अल्जीरिया है। तो यहां पर आपको ये चीजें याद रखनी जरूरी है कि 10 कंट्रीज कौन कौन सी है एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना है और भारत सेकंड नंबर पे आता है। अच्छा, यहां पर पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान से हमारा क्षेत्रफल कितने गुना है। तो हमारे बेटे से हम कितने ज्यादा है, तो हम 4 गुना उनसे ज्यादा है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। पूछ लेते हैं कि कितना है, तो 32 लाख अप्रोक्सीमेट मापा जाता है वहां पे। और पाकिस्तान का कितना है, 7,96,095 वर्ग किलोमीटर बच्चा है अपना। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, वो 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। देखिए, जब बहुत टाइम पहले जब ये कॉन्टिनेंट बन रहे थे, आज की डेट में आप कॉन्टिनेंट देखते हो, तो पहले के टाइम में जब कॉन्टिनेंट बन रहे थे, यानी महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट द्वीप बन रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ करता था, कोई एक हुआ करता था, या पहले ही ऐसे अलग अलग बटे हुए होते थे, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका, ऐसे अलग अलग हुआ करते थे, या फिर एक ही हुआ करता था। तो पहले जब कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उस कॉन्टिनेंट को कहा जाता था पेंजिया। ठीक है, यही होता था पेंजिया, ये पेंजिया कहलाता था। जय सही नहीं बना मेरे से, तो पेंजिया कहलाता था, ये होता था पेंजिया। अब इस पेंजिया के दो हिस्से हुए, टाइम टू टाइम होता है ना, अब वो अलग अलग चीज है, कॉन्टिनेंटल थ्योरी के मतलब ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होता है, उसके अकॉर्डिंग टूटा हमारे जो ये पृथ्वी है, इसका बल लगा, हवा का बल लगा, पानी का बल लगा, बहुत सारे जो है वो फैक्टर है, ग्रेविटेशन हुआ, बहुत सारी चीजें जो थी जिसके कारण ये जो पेंजिया है दो हिस्सों में टूट गया, लुरेशिया और गोंडवाना, दो चीजों में ये टूटा। लुरेशिया को दूसरे नाम से अंगारा लैंड भी कहा जाता है, इस लुरेशिया के अंदर दो चीजें फिर से हुई, इसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया निकल के आया, इस गोंडवाना के अंदर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये चीजें निकल के आई, यहीं पर ही भारत है। तो भारत उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, किसका, गोंडवाना लैंड का। तो पहले इसमें, यहां पर इसमें होता है हमारा भारत, इससे निकल कर आया है। ठीक है, धीरे धीरे ये भी अलग हुए जब ये कॉन्टिनेंट बने थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना का हिस्सा है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पेंजिया, जैसे मैंने कहा ना, पेंजिया का विभाजन दो बड़े बड़े चीजों में, मतलब कि दो बड़े बड़े स्थल खंडों में हुआ, यानी लैंड के अंदर हुआ, और उत्तरी खंड को हमने क्या कहा, अंगारा लैंड, या फिर कहें हम उसको लुरेशिया भी कह सकते हैं, ध्यान रखना दूसरे नाम हो सकते हैं। दक्षिणी भाग को हमने कहा गोंडवाना लैंड, और इन दोनों स्थल खंडों का विभाजन के बाद ही विश्व वर्तमान आकार के सामने। अभी फिलहाल मैं बताऊं तो देखिए, धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से मिली सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत मामूली के अंदर ये अलग हो रहे हैं, जैसे पहले टाइम हुए थे अब भी हो ही रहे हैं। 15th क्वेश्चन आते हैं। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि भारत जो है वो किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो यहां पर आपके सामने मैप भी लगा हुआ है, मुझे लगता है कि बच्चा इसमें आसानी से समझ जाएगा कि किस किस के साथ लग रही है। तो ऊपर की तरफ चाइना हो गया, तिब्बत भी यहां पर पड़ता है, भूटान हो गया यहां पर, नेपाल हो गया यहां पर, इधर म्यांमार हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर हमारा पाकिस्तान, हमारा बेटा पाकिस्तान हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना,
काफी सारे कहेंगे कि यहां पर तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ये जो है वो एरिया है, तो यहां पर तो भारत सिर्फ पाकिस्तान के साथ साझा करेगा, वो तो अफगानिस्तान के साथ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये हमारा ही हिस्सा है, पाकिस्तान से हम ले लेंगे कभी ना कभी, कहेंगे तो पाकिस्तान को भी भारत में मिला लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। बेटा कब तक नाराज रहेगा बाप से, तो बाप का तो फर्ज बनता है ना समझा लेगा, अभी तो फिलहाल नाराज हो गया बेटा, कोई बात नहीं मना लेंगे उसको भी। तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान के साथ मिलती है, बांग्लादेश के साथ मिलती है, क्योंकि ये रहा हमारा मतलब कि भारत का नक्शा लो तो बांग्लादेश का नक्शा फ्री आ जाता है, तो ये बांग्लादेश रहा। भूटान के साथ हमने देख लिया, श्रीलंका के साथ नहीं लगती। क्यों भाई श्रीलंका के साथ क्यों नहीं लगती? क्योंकि पाक स्टेट, ये देखिए, अच्छा आपके सामने इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हो गया, और जिसकी सीमा किसके कितने देशों के साथ लगती है? सात देशों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। पहले तिब्बत हुआ करता था, लेकिन चीन भैया चीन वाले बोले कि हमारे दादा परदादा तिब्बत में आए हुए थे तो हमारा देश हो गया, उन्होंने तिब्बत को हड़प लिया। तो यहां पर इससे स्पष्ट होता है कि श्रीलंका जो है भारत के स्थलीय सीमा नहीं करता, वो एक जलीय सीमा साझा करता है, उस जलीय सीमा को कहा जाता है पाक स्टेट। पाक स्टेट से ये अलग होते हैं, क्लियर। स्टेट भी समझा दूंगा अभी, ये लो आ गया स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है? पाक स्टेट से कौन सा जो है, देखिए ये रहा पाक स्टेट। जल संधि कहते हैं इसको, स्टेट का मतलब होता है जल संधि। जल संधि बोले क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं। यहां पर है एक लैंड, ये रही एक भूमि, यहां पर है एक लैंड, ये रही भूमि, ये ए है, ये बी है। इन दोनों भूमि को, इनके बीच में जो पानी है ना, ये पानी भूमि, यहां पर भी सागर है, महासागर है, ठीक है ये रहा, लेकिन यहां पर भी महासागर, लेकिन यहां से बीच में से जो जगह जा रही है, जो इन दोनों लैंड को जोड़ रही है, ये जो चीज है यही कहलाती है स्ट्रेट, जल संधि। ये देखिए भारत और यहां पर इस साइड भी क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, यहां पर इंडियन ओशन का हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे ना, तो इस एरिया को कौन सी संधि है, तो ये पाक स्टेट, क्लियर। तो आपके सामने हो जाएगा भारत और श्रीलंका। फिर अगला वही क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, क्लियर। ओके, 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन पूछा गया कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किसके साथ साझा करता है और सबसे ज्यादा किसके साथ साझा करता है? तो दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो सबसे कम साझा करते हैं हम नेपाल के साथ, हमारा प्यारा नेपाल, ये रहा नेपाल के साथ हम करते हैं 106 किलोमीटर की, और सबसे ज्यादा हम करते हैं बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की, क्लियर। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसके साथ है और सबसे कम किसके साथ है। फिलहाल सबसे कम तो पूछा गया है सीपीएसआई के अंदर, टीयर वन के अंदर क्वेश्चन हुआ था 5 जुलाई 2017 को। अब आते हैं 19th, भाई पोताश्रय यानी बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मतलब प्राकृतिक का मतलब होता है, देखिए एक मैं यहां पर समझा देता हूं। देखिए ये लैंड हो गया और यहां से ऐसे ऐसे समुद्र शुरू होता है ना, तो हमने देखा है कि यहां से थोड़ा थोड़ा हम जब जाते हैं तो यहां थोड़ी 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 गहराई है, नीचे तक चलते हैं तो और भी गहराई हो जाती है, ठीक है। तो जब जहाज आती है ना, तो ठीक है जब जहाज आती है तो यहां पर मिट्टी में तो आ नहीं सकती, भले यहां पर थोड़ा बहुत, लेकिन यहां पर इतना पानी नहीं है कि जहाज को ये हैंडल कर सके, तो वो तो गहरे पानी में ही लैंड हो सकती है। तो यहां पर वो पानी में, यहां पर जहाज आके रुकती है वो, तो इतने से यहां से लेकर यहां तक का सफर कैसे तय किया जाता है, छोटी छोटी नावों के अंदर तय किया जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक सामान लाया जाता है छोटी छोटी नावों में। तो बंदरगाह तो ये एक तो हुआ नहीं ना, नेचुरल बंदरगाह क्या होगा, जब भैया यहीं से ही इतनी गहराई होगी कि जो जहाज है वो यहीं आगे एकदम लैंड के पास आके रुके, तो इसको कहा जाता है एकदम प्राकृतिक बंदरगाह। अभी हम त्रिंकोमाली, यहां पर जो जो ये श्रीलंका है, त्रिंकोमाली एक प्राकृतिक बंदरगाह है, दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो यहां पर जो है वो भारत के साथ डील हुई है श्रीलंका की, कि ये त्रिंकोमाली ऑयल फॉर्म जो है वो भारत को देगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये, करंट का क्वेश्चन है कि त्रिंकोमाली समझौता किन किन देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। अंग्रेजों ने यहां पर बहुत सारे वो फार्म बना रखे थे तेल के टैंक के लिए, खैर ये अलग क्वेश्चन, वो भी मैंने बना रखा है, एक वीडियो बना रखी है त्रिंकोमाली समझौता करके, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, करंट अफेयर्स करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको वो देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप आते हैं अपने वापिस मुद्दे के ऊपर। तो पूछा गया है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, यानी बंदरगाह जो है प्राकृतिक नहीं है। तो चेन्नई, मुंबई, कोचीन, पारादीप, कौन सा नहीं है? ए, यानी चेन्नई नहीं है, बाकी कोचीन, मुंबई, पारादीप जो है वो नेचुरल है, चेन्नई को बनाया गया है। अब बनाया कैसे, अरे मिट्टी निकाल लो, खोद लो, वहां से निकाल सकते हैं। अच्छा पूछा गया है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी, अरे देखिए मुझे लगता है ये तो आता ही होगा, तो 4096। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये,
कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से, तो त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत की। दूसरी, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य टच होते हैं, या फिर सबसे कम किसके साथ लगती है, नेपाल की, तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य टच होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर पश्चिम में यहां पर आपके सामने मैं डायरेक्शन बना देता हूं। यह होती है नॉर्थ और यह होता है साउथ, यह होती है वेस्ट और यह होती है ईस्ट। अब आते हैं उत्तर पश्चिम, तो ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम, यानी इस साइड चलना पड़ेगा, इस साइड चलना पड़ेगा। अगर वो होता ना, पूछता कि साउथ सदर्न, साउथ ईस्ट पूछ लो या फिर साउथ वेस्ट पूछ लो, तो ये इस साइड होता है, ये साउथ हो जाता है, ये वेस्ट होता है, तो इस साइड चलना पड़ता हमें, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। तो इसने पूछा उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में यहां पर है, तो उत्तर पश्चिम में भारत की सीमाएं किसके साथ लगती हैं, श्रीलंका, अरे श्रीलंका तो नीचे की तरफ पड़ गया, म्यांमार यहां पड़ गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बचता है, बांग्लादेश यहां पड़ता है और पाकिस्तान ये रहा, तो आपके सामने ऑप्शन ये रहा। तो आप मैप में, अगर आप लोगों ने मैप से अगर ज्योग्राफी कर रखी है, तो मैं कह सकता हूं कि आपका नंबर नहीं कर सकते हैं, बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाती हैं। अब आते हैं वन लाइनर के ऊपर, हमारे क्वेश्चन से वो खत्म हो गए हैं, अब आते हैं वन लाइनर के ऊपर। अच्छा, ये पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, टेलीग्राम में आपको एक लिंक दिया मिलेगा, जो टेलीग्राम का ही लिंक दिया मिलेगा, सॉरी मैं क्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा, वहां पर आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लोगों को वहां पर इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एज इट इज वहां मिल जाएंगे, विद मैप के साथ आप चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, आप वन लाइनर के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। पूछा गया कि कौन सी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखा भारत को प्रमाणित समय तय करती है, यह हमने देखा है 82.5 डिग्री पूर्व की करती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवां है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में से किस देश की मानक समय वही है, जो भारत की है वो श्रीलंका का, यानी श्रीलंका और भारत जो है वो सेम मानक समय से ही अपना देश का समय निकाल रहे हैं। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय है, ध्यान रखना इस चीज का। भारत की मुख्य भूमि रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है, पेम्बन जलल अलग करता है, खैर वो मैप में मेरे को आपको दिखाना चाहिए थे, भूल गया, अगली बार ये चीजों को कवर कर लेंगे। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, और ऐसा दिया जाता है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती, देखिए आपके सामने ऑप्शन दे दिया कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती, तो ओडिशा से नहीं गुजरती है ये। म्यांमार भारत के साथ कितनी, ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सा देश कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है, तो म्यांमार 1643 किलोमीटर की करता है। भारत की जो मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा वो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया था। भारत का क्षेत्रफल ये पूछा गया कि कितने किलोमीटर है, 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने आपको बताया था ना, देखिए ये रहा 3200 किलोमीटर पूछ लिया यहां पर कि भाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना जो है वो विस्तार है भारत का, तो 3200 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा गया कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में, देशांतर समझ लो ना, वो जो खड़ी लाइन होती है लॉन्गिट्यूड, इनको कहा जाता है। अच्छा, पश्चिम से लेकर, फिर से वही क्वेश्चन है, पश्चिम से लेकर वही फिर से रिपीट हो गए, दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर की तरफ भारत की मुख्य भूमि का विस्तार ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और डैश अक्षांश के बीच में 8 डिग्री 4 मिनट ये आपको मैंने करवाया हुआ है, अभी हमने देखा है, हमने और ये हमने मैप में भी देखा है, ये देखिए ये भी हमने मैप में देखा था कि भारत का अरुणाचल से लेके कच्छ तक का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो कितने किलोमीटर है, 2900, और अगर उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो 3200, ठीक है, ये दो क्वेश्चन याद रखने हैं, ये 3200 और यहां से लेकर यहां तक का ये 2900। अब आते हैं सिक्किम से जो गुजरने वाली अक्षांश है वो कौन से राज्य से भी गुजरती है, तो राजस्थान से, इस चीज का ध्यान रखना। और भारत की जो स्थल सीमा रेखा वो टोटल कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ये तो मुझे लगता है कि बेसिक चीज है, हर एक चीज को पता होनी चाहिए, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ सॉरी, और किस देश के साथ हम कम सीमा साझा करते हैं, वो है नेपाल के साथ। अच्छा, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कोंकण तट, याद हो तो मैंने आप लोगों को कराया था, गुजरात वाले भाग को हम कोंकण तट कहते हैं और दक्षिणी वाले भाग को हम मालाबार तट कहते हैं। पाक जल डमरू मध्य, यानी जो मन्नार की खाड़ी होगी, जो पाक स्टेट होगी, वहां पर मन्नार की खाड़ी भी थी, तो वो
कौन से, वो जो समुद्री रास्ता निकलता है वहां से, वो कौन से देशों को अलग कर रहा है, वो श्रीलंका और भारत को अलग कर रहा है, इसकी चीज का ध्यान रखना है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। बहुत अच्छे से करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो बेटर रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि लोगों तक पहुंचे। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत किन के साथ विवाद चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच। हिलर द्वीप का नाम क्या है, नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, वो है मालदीव। क्लियर यहां पे। और यहां पर पूछा गया कि दक्षिण, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन राज्यों को हमें जचाना है। कैसे जचाना है, राज्य के मतलब कि जो ये सिटीज दी गई है इनको हमें जचाना है। जो भुवनेश्वर हो गया सबसे, यानी उत्तर की तरफ में भुवनेश्वर आता है, फिर इससे नीचे की तरफ चलेंगे हैदराबाद, उससे भी नीचे चलेंगे तो चेन्नई, उससे भी नीचे चलेंगे तो कोचीन। तो आपके सामने यहां पर आंसर दिया भी है। अच्छा, दक्षिण गंगोत्री क्या है, एक रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिका में स्थित है। अब देखिए, अंटार्कटिका में बहुत सारे देशों ने अपने अपने रिसर्च सेंटर स्थापित कर रखे हैं, इसके बारे में अलग से हम बात कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये आपकी हेल्प जरूर करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सामने, देखा कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को भैया क्या कर सकते हैं, अरे कर क्या सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो लाल वाला बटन है ना वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर दो, लाल मत रहने दो यार उसको, क्लियर। तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ कहां मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को चैनल में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया मिलेगा टेलीग्राम का, तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। और ज्यादा पसंद आ गया तो चैनल को भी और वीडियो को भी दोनों को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।